देश में कोरोना मरीजों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन संकट अभी कम नहीं हुआ है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद से कई देशों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। भारत समेत दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हैं। हालांकि अब भारत में कोरोना के दैनिक आंकड़ों में कमी आने लगी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,110 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,08,47,304 हो गई। वहीं संक्रमण से 78 और रोगियों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 1,55,158 हो गई है। इसके अलावा 1,43,625 मामले अभी भी एक्टिव हैं। वहीं बात की जाए कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शुक्रवार को एकदम से 15 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल केसेस की संख्या 165 हो गई थी, जो कि एक डराने वाली बात रही। शनिवार को एक नया मामला सामने आया और केसेस 166 हो गए। लेकिन राहत की बात ये रही कि रविवार और सोमवार को कोई भी मामला सामने नहीं आया, जिससे कि संक्रमितों की संख्या 166 ही रही। लेकिन मंगलवार को फिर से दो नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 168 हो गई। बुधवार को दो और मामले सामने आए और केसेस 170 हो गए। बात की जाए गुरुवार और शुक्रवार की, तो कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर एकदम से 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 175 हो गई। लेकिन रविवार, सोमवार और आज मंगलवार को एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 175 ही बनी हुई है, जो कि एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज मंगलवार को ये जानकारी दी है। इनमें से हर मरीज को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश हो रही है। अगर आपकी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।